हम आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाढ़ ग्रसित इलाकों का जायजा इस समय मुआयना कर रहे हैं। एक डिंगी बोट, ये जो भी रेस्क्यू टीम्स होती हैं, एनडीआरएफ की टीम्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की जो नाव है, उसमें वो यात्रा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाके इस समय बाढ़ ग्रसित है, बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। अगर हम काशी की बात करें तो काशी में काफी स्थिति इस समय गंभीर है। चाहे नमो घाट हो या अन्य घाट हो, गंगा जी का पानी काफी ऊपर आ गया है, खतरे के निशान के ऊपर है कई इलाकों में। और जमीनी स्थिति का जायजा इस समय मुख्यमंत्री ले रहे हैं, और जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, एक नाव में वो खुद है, आसपास उनकी सुरक्षा की और एनडीआरएफ की अलग अलग टीमें उनके साथ है। बाढ़ ग्रसित इलाकों के दौरे पर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मेरे सहयोगी समर श्रीवास्तव लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि किस तरह गंगा जी में पानी काफी ज्यादा इस समय आ गया है और कई इलाके बुरी तरह से इस बाढ़ से प्रभावित है। पानी का स्तर गंगा जी में काफी बढ़ गया है, कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस आया है, कुछ जो दफ्तर है वो पानी उनमें पानी भर गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। इस समय काशी में कई इलाकों में घुटनों तक पानी घुस आया है और लोगों से यही कहा जा रहा है कि वो घाटों से इस समय जितना दूर रहे उतना ही उनके लिए बेहतर है। कुछ तस्वीरें आपको याद भी होगा, मणिकर्णिका घाट की सामने आई थी, जहां पर अंतिम संस्कार जो लोगों का किया जाता है, अंतिम संस्कार के लिए भी नाव में लोग आ रहे हैं। और एक तस्वीर तो ये आई थी कि अंतिम संस्कार करने भी में भी लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाढ़ ग्रसित इलाकों में मदद का प्रयास एनडीआरएफ की टीम्स इस समय कर रही हैं, उत्तर प्रदेश का प्रशासन भी यहां पर लगा हुआ है लोगों की मदद के लिए। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी हैं इस समय। मुख्यमंत्री के साथ बाढ़ग्रसित इलाकों का जायजा लेते हुए